नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद जालौन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, ये आदेश ठंड शीतलहर को देखते हुए जनपद जालौन के लिए जारी किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मौसम में व्याप्त ठंड और शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद यानी जालौन के समस्त बेसिक शिक्षा परिषदीय जो स्कूल होते हैं, प्राथमिक जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होते हैं, तो इस कारण से इस खबर को दिया भी जा रहा है। तो जनपद जालौन के बेसिक स्कूल हैं, प्राथमिक हैं, उच्च प्राथमिक हैं और कंपोजिट हैं। विद्यालय जो हैं राजकीय हैं, अशासकीय हैं, शासकीय हैं, अशासकीय जो के साथ ही जो है सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय, वित्तविहीन, ICBSC, ICSE के साथ ही जो है आपको बता दें अन्य समस्त बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 26 दिसंबर से यानी कि आज से जो है 31 दिसंबर 2023 तक शिक्षण कार्य को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस मामले में जो है जिला जो है शिक्षा अधिकारी BSA होते हैं जो, उनकी ओर से सूचना जारी की गई है और एक कार्यालय आदेश है जिसमें ये जानकारी शेयर की गई है। 31 दिसंबर तक यानी कि ये पूरा साल जो है विद्यालय बंद रहेंगे और समस्त विद्यालय स्टाफ जो है उपस्थित होकर विभागीय कार्यों को संपादित करेंगे। आपको बता दें जनपद जालौन के BSA चंद्र प्रकाश की ओर से जो है इस तरीके का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बता दें बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में जो है जितने भी विद्यालय बंद करने की बात कही जा रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों के लिए जो है केंद्रों को या फिर आपको बता दें विद्यालयों को बंद रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर शिक्षक जो है स्टाफ जो है उपस्थित होकर विभागीय कार्यों का संपादन करेगा। चंद्र प्रकाश, BSA जनपद जालौन की ओर से यह सूचना जारी की गई है।